नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। आप लोग बहुत सारे अफवाह देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट होली के पहले आ जाएगा, कोई बता रहा है कि होली के दो दिन बाद आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इन सारे अफवाह पर आप लोग विश्वास मत करिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने का कोई भी फिक्स डेट अभी तक नहीं हुआ है। डेट भी फिक्स कैसे होगा, अभी तक तो मैट्रिक का जो कॉपी जांच की जाती है उसका शुरुआत भी नहीं हुई है, तो रिजल्ट कैसे जारी हो सकता है। ये सभी अफवाह फैल रही है, अफवाह फैलाकर आपको गुमराह किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी मिलेगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का कॉपी कब से जाँच की जाएगी और कब तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा और कैसे आप लोग कॉपी लिखे हो, कैसे आपका नंबर मिलेगा। इसी वीडियो में आपको पूरा सटीक जानकारी मिलेगा। जैसे ही आज हमारे पास न्यूज़ मिला ठीक वैसे ही आपके पास शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ पहली बार मतलब कि जुड़े होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक जानकारी अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो आपका मेन सटीक जानकारी है वो जानकारी है कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2022 बिहार बोर्ड मैट्रिक की कॉपियाँ का रात 9 बजे तक होगा मूल्यांकन, यानी कि बिहार बोर्ड की जो कॉपी जांच की जाएगी मैट्रिक का वो रात्रि 9 बजे तक जांच की जाएगी। कब से कब तक जांच किया जाएगा वो आगे आपको जानकारी मिलेगा और कब से शुरुआत की जाएगी। दोस्तों ये मतलब कि जो खबर है वो बिल्कुल सही खबर है, एकदम सटीक खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक मूल्यांकन की तैयारी पूरी हो गई है। मूल्यांकन को लेकर बिहार बोर्ड ने मूल्यांकन निर्देशिका जारी किया है। मैट्रिक मूल्यांकन समय पर समाप्त हो इसके लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे रात तक मूल्यांकन किया जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं सुबह 8 बजे से रात्रि मतलब कि 9 बजे तक मैट्रिक की कॉपी जांच की जाएगी, मतलब कि जिसके चलते आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो पाली में मूल्यांकन होगा, इसकी जानकारी सभी मूल्यांकन केंद्र निर्देशक को बोर्ड द्वारा दी गई है। प्रथम पाली में सुबह 8 बजे से द्वितीय पाली में 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक मूल्यांकन होगा। सभी प्रधान परीक्षक सहपरीक्षक और परीक्षा से जुड़े सभी कर्मी को सुबह 7:30 बजे निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर प्रवेश कर जाना है, मतलब कि 7:30 बजे 8 बजे से कॉपी जांच होगी और 7:30 बजे वहां पर आपको उपलब्ध होना है सभी टीचर्स को जो कॉपी आपका जांच करेगा। तो देख सकते हैं कि मतलब कि दो पालियों में कॉपी आपकी जाँच की जाएगी रात्रि 9 बजे तक। बिहार बोर्ड ने इतिहास रच रहा है, मतलब कि इस बार भी बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, तो आगे की जानकारी को पढ़कर हम बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना। अगर आप कॉपी कैसे लिखे हो, कोई भी अगर थोड़ा सा भी गलती भी हुआ तो उसको कैसे कॉपी जांच किया जाएगा वो भी आपको जानकारी इसमें मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार मैट्रिक मूल्यांकन में किसी तरह की गड़बड़ी करने पर परीक्षा पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि जो आपका कॉपी जांच किया जाएगा अगर वो आपके कॉपी जांचने में कोई गलती करता है, मतलब कि नहीं होता है एक दोगलाई होता है, मतलब कि जल्दबाजी में कॉपी जांच कर देता है तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है, अगर ऐसा करेगा तो उस टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्र के परीक्षकों को इसकी जानकारी दे दी गई है, मतलब कि ऑलरेडी पहले से बिहार बोर्ड की तरफ से ये सभी शिक्षक को जानकारी दे दी गई है। अब आगे देखिए, आगे आपको जानकारी मिल रहा है परीक्षकों को पूरी सावधानी के साथ उत्तर पुस्तिका जांच करने का निर्देश दिया गया, मतलब कि पूरा सावधानी अच्छे तरीके से एकदम आपको मतलब कि आपकी कॉपी जांच किया जाएगा। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन निर्देशिका निकाली गई है, मूल्यांकन निर्देशिका में दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर पुस्तिका की जाँच करनी है। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा जानकारी आपको मिलेगा कि कब से आपकी कॉपी जाँच की जाएगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2022 5 मार्च से शुरू होगी बिहार बोर्ड मैट्रिक की कॉपियों की चेकिंग। अब आप देख सकते हैं, अब आप विश्वास तो कर सकते हैं ना कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की जो कॉपी जांच होगी वो 5 मार्च से शुरू की जाएगी, लेकिन आप सारे कई सारे अफवाह पर विश्वास कर ले रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट इस दिन आ जाएगा। अभी तो कॉपी की जाँच की शुरुआत ही नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये मान सकते हैं कि जब 5 मार्च से कॉपी आपकी जाँच की जाएगी तो 10 से 12 दिन में कॉपी आपका जाँचा जाएगा, मतलब कि फाइनल जाँच की हो जाएगी और 2-4 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके अनुसार आप बता सकते हैं। लेकिन अभी जांच भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 5 मार्च से फाइनली जांच शुरू की जाएगी मैट्रिक की कॉपियां का। अब देखिए, निक पत्र के साथ चार को देना है योगदान। अब यहां पर देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात है, कोई भी टीचर आपका कॉपी जांच करता है तो उसके समय आपको वहाँ पर सब मतलब कि सेवा उपलब्ध रहेगा, जो भी मतलब कि डायरेक्ट कॉपी जांच होगा नंबर चढ़ जाएगा डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपका नंबर डायरेक्टली चढ़ जाएगा, इसलिए मतलब कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ सकता है। बोर्ड की माने तो मूल्यांकन केंद्र पर परीक्षकों की कमी होने पर संबंधित
डीओ द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रधान परीक्षक या सह परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इंटर मूल्यांकन की तरह मैट्रिक में भी अतिथि शिक्षक को लगाया जा सकता है, मतलब कि और शिक्षक को लगाया जा सकता है। ज्ञात हो कि मूल्यांकन केंद्र 5 मार्च से 17 मार्च तक चलेगा। अब देखिए 5 मार्च से 17 यानी कि कितना हो गया, 12 यानी कि 12 दिन आपको बोले ना, मतलब कि 10-12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 5 मार्च से 17 मार्च तक, यानी कि अब आप ही बताइए कि 5 मार्च से शुरू किया जाएगा और 17 मार्च तक फाइनली आपके कभी जांच की जाएगी, तो उसके बिहान भले यानी कि उसके जस्ट एक दिन बाद कैसे रिजल्ट जारी हो सकता है, यानी कि होली के दिन कैसे आ सकता है, होली के पहले कैसे आ सकता है। तो ये तो आपको पूरा पता चल गया कि होली के पहले हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो आपका 100% विश्वास हो गया, क्योंकि 17 मार्च तक तो कभी जाँच की जाएगी, 18 मार्च को होली है तो होली के पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। बोर्ड द्वारा सभी प्रधान परीक्षक सह परीक्षक और एमपीपी का नियुक्त पत्र जारी कर दिया गया है, सभी मूल्यांकन केंद्र पर भेज दिया गया है। सभी परीक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर 4 मार्च को योगदान देने, यानी कि 5 मार्च से कॉपी की जाँची जाएगी और 4 मार्च को सभी शिक्षक को मतलब कि परीक्षा केंद्र के जहाँ पर कॉपी जांच की जाएगी वहाँ पर हाजिर हो जाना है, उसका मतलब कि नंबर अपना लगा देना है, ठीक है ना। तो देखिए 17 मार्च तक आपका कॉपी जांच की जाएगी। और देखिए नीचे आपको और कुछ जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निर्धारित कॉपी से अतिरिक्त कॉपी जांचने की मिली अनुमति। बोर्ड की माने तो परीक्षक निर्धारित उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने के बाद अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की जाँच कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षक को 50% उत्तर पुस्तिका जांच करने की अनुमति दी गई है। परीक्षक चाहे तो 35 से 50 अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जांच सकते हैं। बोर्ड द्वारा सभी मूल्यांकन केंद्र पर मार्क्स प्लावर मार्किंग स्कीम के साथ अन्य सभी जरूरी चीज़ें को 3 और 4 मार्च को भेज दिए, मतलब कि भेज देगा, मतलब कि जो भी मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि कॉपी जांचा जाएगा और वहां पर जितना भी आपका नंबर मिलेगा वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर चढ़ जाएगा, कंप्यूटर पर लोड हो जाएगा। और एक और बात आपको बतानी थी कि अगर कोई भी बंदा अगर क्वेश्चन को पूरा लिखा है तो उसको मतलब कि पूरा नंबर देने का निर्देश मिला है, मतलब कि आदेश मिला है बिहार बोर्ड की तरफ से। अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र का डेफिनेशन आपको इसका परिभाषा याद नहीं है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द आप पूरा फुल में लिखे हैं ना, तो आपको पूरा नंबर देने का आदेश मिला है बिहार बोर्ड की तरफ से। अगर ऐसा आप लोग किए हैं तो आपका पूरा फुल नंबर मिलेगा, 2 नंबर का होगा 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा राइटिंग मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर आप लिखे हो ऐसा लिखे हो जो टीचर पढ़ सकता है तो आपका तो फाइनली फुल नंबर मिलेगा, ये मतलब कि फिक्स है, ठीक है ना। तो जो भी जानकारी आपको मतलब कि हमको मिलेगी तो सबसे पहले आप लोग के पास ही शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी सटीक जानकारी मिले वो आपके पास पहुँचे। हम मतलब कि अफवाह नहीं मतलब कि वीडियो बनाते हैं, जो मतलब कि मार्केट में अफवाह चल रही है उस पर वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, आपको सटीक जानकारी देना चाहते हैं। तो सटीक जानकारी हमको मिला को दे दिए, तो ऐसे ही आपको सटीक जानकारी देंगे, मतलब कि जो मतलब कि सही जानकारी होगा वही जानकारी आपको देंगे, गलत जानकारी नहीं देंगे। तो जब कॉपी जांच की जाएगी तो बीच में कैसे कभी जांच की जा रही है, कैसे मतलब कि आपकी कॉपियों की जांच की जा रही है, बीच में आपको ज़रूर न्यूज़ देंगे, मतलब कैसे मतलब कि आपकी कॉपी जाँच की जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को आप लोग देख लीजिए, लाइक किए कि नहीं किए, लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।